इसमें बहुत सारा मनोरंजन है, इसमें मैं हूँ, इसमें जिम भी है, और भी लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये अच्छी लगेगी। ये पावर और ग्रीड के बारे में है, ये गोवा में बेस्ड है, और इसमें कई सारे गैंगस्टर्स हैं, कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं। इसमें लोग हैं जो गद्दी पे बैठना चाहते हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो गद्दी पे हैं, और बाकी सबको गद्दी अपनी गद्दी बचाने की कोशिश भी है। तो एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा माहौल है, जो गोवा की एनवायरनमेंट, जो एक शांत एनवायरनमेंट है, उसमें बसी है इन लोगों की दुनिया। मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ फिल्म में, आई मीन वेब सीरीज़ में, मैं उसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं, एज एन ड्राइविंग और मैं कहानी के बारे में बात ही नहीं करते हैं उसके रिलीज़ के पहले। तो आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो फिर हम और बात कर इनको सकते हैं। कहानी मालूम भी नहीं है, सिर्फ ड्राइविंग हाँ, करते थे, मैं बस हर ड्राइविंग बार करते गाड़ी थे। चलाते थे। आप जो भी स्टोरी चूज करते हैं, आप दोनों की बात कर रहे हैं, उस स्टोरी में कुछ ना कुछ तो दम होता है, हम ये बोल सकते हैं। क्या चीज़ खास चीज़ लगी इसमें जो आपने चूज किया इस वेब सीरीज को? मुझे कहानी अच्छी लगी, जो लोग इस कहानी से जुड़े हुए थे, जो कहानीकार थे, जो निर्देशक थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, उनकी सोच सही लगी मुझे। और मुझे लगा ये एक कंपल्शन होता है अंदर से कि ये आपको करना चाहिए, तो वो वाली कंपल्शन भी आई। और जो किरदार मुझे ऑफर किया था कि एक बिहारी का, एक बिहारी गैंगस्टर है जो बिहार से आता है और गोवा में बस जाता है, उसको गोवा अच्छी लगती है और सोचता है कि चलो आगे की ज़िंदगी यहीं काटेंगे और देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं, तो वो किरदार भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। और एक नई दिशा में एज अ कलाकार, एज अ मेरी करियर भी एक नई दिशा में जा रही थी, तो उसके लिए सही था। आपको क्या चीज़ खास चीज़ लगी कि गोवा में सेट है तो मैं रोज तैर सकते हैं समुद्र में। समंदर में तैरते थे रोज, इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो बैंगलोर से हैं मैं सीरियस आंसर दूंगा, उठपटांग आंसर जो है ये सज्जन देंगे आपको। आप बैंगलोर से हैं जी, तो बिहारी कैरेक्टर कितना डिफिकल्ट लगा? डिफ़िकल्ट तो नहीं था, देखिए तैयारी पे डिपेंड करता है इसके लिए आपको डिफिकल्ट क्या होते कितना हैं? आपको हाँ कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप सही तैयारी से जाएंगे, सही प्रिपरेशन से जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तैयारी करने का मौका मिला था, जो कभी कभी 2 हफ्ते लगते हैं, कभी 3 हफ्ते लगते हैं, कभी कुछ ज़्यादा वक्त लगता है। प्रोजेक्ट के ऊपर, जो किरदार आप कर रहे हैं और जितनी तैयारी की ज़रूरत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं एक्चुअली छुट्टी पे था, 3 हफ्ते छुट्टी पे था, जहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की, और यहाँ पे आके 2 हफ्ते की, एक्चुअली 1 ही हफ्ता मिला था। ज़्यादातर किरदार की तैयारी मेरे लिए आसान था, लेकिन जो एक बिहारी डायलेक्ट है, जो बिहारी भाषा है, उनकी बोलने की जो शैली होती है, उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं तो हूँ साउथ इंडियन आदमी। तो उसके लिए एक रिकॉर्डिंग थी, मेरे सह कलाकार जो अमित सियाल है, तो प्रोड्यूसर्स ने और उसने मेरी मदद की, तो एक रिकॉर्डिंग दिया था। मेरा एक मोनोलॉग है इसमें, तो उसको अपनी ज़ुबानी उसने बोल के उसका रिकॉर्डिंग दिया था, तो वो मैंने सुना। ज़्यादातर सुनना ही है, सुन के आपको पहचानना है कि ये भाषा की रिदम क्या है। एक बार आपने रिदम पकड़ लिया तो फिर आसान हो जाती है। इसके अलावा सेट पे कुछ इंसिडेंट्स भी हुए कि शायद आपके पैर में कुछ फ्रैक्चर्स थे, किस तरह से मैनेज किए? ये बात, पैर में फ्रैक्चर नहीं, मेरी टांग टूट गई थी, बीच में 10 दिन की छुट्टी थी, तो मैं गया था कश्मीर स्कीइंग करने के लिए गया था मैं, स्कीइंग करने के लिए वहाँ पे गिर गया पहाड़ों पे, और फिर टूट गई, मेरे लिगामेंट सारे उड़ गए यहाँ पे राइट नी पे, और फिर वो वापस बनाने पड़े, लेकिन सर्जरी नहीं करा पाया मैं। तो मुझे लगा डेफिनेटली मुझे निकाला जाएगा इस शो से, हीरोस बोलेगा बेटे ये बहुत अनप्रोफेशनल चीज़ है, और था भी मेरे हिसाब से। मुझे बुरा इस बात का था कि मैंने अनप्रोफेशनल एक कुछ चीज़ होने दिया मेरे साथ, चोट लगने से ज़्यादा बुरा नहीं लगा था मुझे, बट लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे समय दिया, और फिर पैचअप करके ब्रेस पहन के सारा, और लगभग मैंने 70% पूरा एक ब्रेस, कपड़ों के नीचे एक ब्रेस था जो अब नी को ऐसे पकड़ के रखता था, नहीं तो वो निकल जाता था बाहर, तो वो पहन के किया। तो और क्या था, बहुत सारे और चीज़ मज़े थे। तो बहुत किए गोवा में। गोवा तो एक एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि आपको बहुत बहुत शांतता मिलती है वहाँ पे। आप पार्टी करना चाहेंगे तो आप पार्टी भी कर सकते हैं, आप कुछ नहीं, सिर्फ अकेले बैठना चाहेंगे तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया जगह है। कल्कि को वहाँ डेंगू की लगा, कल्कि को डेंगी हुआ था, तो उसको ले वो जाना था कहीं, मैं अस्पताल ले जा रहा था उसको ड्रिप चलाने के हाँ लिए। ये भाई साहब तो बिजी थे, हाँ ये इनकी पद्मावत पद्मावत शूट की भी चल शूट भी रहा चल था। रही थी, तो ये तो ज़्यादातर सोते थे या शूट करते थे, और या तो प्लेन पर बैठ के ट्रैवल करते थे, नहीं तो तैरते थे, अधनंगे घूमते थे सब जगह। यहाँ पे बॉडी बना ली थी भाई साहब ने, तो यहाँ पे वहाँ पे एक बर्गर फैक्ट्री करके एक जगह थे, अक्सर वहाँ जाया करते थे, तो
तो वहाँ पे मैं पूछता था कि मतलब हाँ आया था जिम यहाँ पे अपने डोले दिखाते हुए आया था ऐसे वो लोग बहुत फेमस था यहाँ पे गोवा में। और टॉम ऑल्टर का भी टॉम जी के साथ में मैं कहूँगा कि अभी पीछे देखते हुए काफी बुरा लगता है यार, सब मैं ही बोल रहा हूँ, तू बोलना टॉम ऑल्टर। क्योंकि हम लोग को पता भी नहीं था ना हाँ कि वो बीमार थे, वो बीमार थे, उसके पास कैंसर थे, हम लोग को पता नहीं था। मुश्किल था उनके साथ काम करना क्योंकि कभी कभी हमें तब समझ नहीं आता था, लेकिन अब पीछे मुड़ मुड़ के देखते हुए पता चलता है कि वो बहुत वो पेन में हाँ थे पेन में थे, उसके। बहुत दर्द में थे, उनको कैंसर हाँ था और इस बात की इल्म भी थी शायद कि वो ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं थे, तो मुझे लगता है उनको पता था कि वो जा रहे हैं, तो हमें बहुत मुश्किल होता था उनके साथ कभी कभी काम करने में। और इन दोनों के बीच में कुछ एक विवाद भी हुआ था, एक छोटी सी एक छुटमुट घटना भी हुई थी, होते हैं, आर्गुमेंट टाइप का हाँ से होते होता हैं। है, लेकिन अभी बहुत बुरा लगता है। शायद हम लोग थोड़ा और अगर हम लोग इस को बात पता का था तो पता था कि उसको और ऐसे भी हैं तो थोड़ा और थोड़ा पेशेंटली उनके साथ काम करते जेंटल थे। होता था उनके साथ, हाँ पर हम थोड़ा लोग को पता पेशेंटली नहीं थे, था इसलिए। बुरा लगा जब खबर मिली कि वो चल बसे, बहुत बुरा हाँ, लगा। ऑफशेट किस तरह का माहौल था, क्या ऑफशेट किस तरह ऑफसेट? से माहौल था? अरे मतलब गोवा में है तो बहुत ही मैंने कभी रिलैक्स्ड। कभी और एक फनी इंसिडेंट जो है शेयर कर सकता कौन सी इंसिडेंट? फनी फनी इंसिडेंट, फनी इंसिडेंट तो शाम को शूटिंग पैकअप होने के बाद जब बोतलें खुलती हैं तब तो सब लोग फैजल और सब लोग बैठते हैं, तो फन बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स होते हैं। हमारे एक प्रोड्यूसर है फैजल फैजल मलिक, हमारी फिल्म कंपनी करके हैं, तो वो उनके उसके के पास प्रोड्यूसर हैं, कितने कहानी बहुत है। मनोरंजक आदमी है वो। मतलब जब वो हाँ शुरू होते हैं ना बात, तो पूरी तीन चार रात के घंटा लिए आपका हंस सकते, ऐसा निकल जाएगा, 3-4 घंटा हंसते हंसते। पेट में दर्द होने लगता है ऐसा। हाँ ड्रग्स पे एडिक्ट है, ड्रग्स पे डिपेंड है, मूवी यंगस्टर्स काफी जा रहे हैं ड्रग्स के एरिया में, देखा जाए तो इस मूवी से तो कुछ सीख मिलेगी ड्रग्स मुझे। के बारे में नहीं है फिल्म, ड्रग्स के बारे में नहीं है, गोवा में बेस्ड है, जो ड्रग ट्रेड है उसका एक कहानी का बहुत ही एक अहम हिस्सा है, लेकिन ड्रग्स के बारे में नहीं है ये फिल्म, ये फिल्म मैं कह रहा हूँ, ये सीरीज, ये कहानी है लालच के बारे में, पावर के बारे में बस। कुछ मैसेज देगी ये मूवी? जिनको जो मैसेज मिलना है वो मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ मैसेज देने के लिए हम लोग ये बना रहे हैं, ये कहानी अलग है, ये मैसेज वाली कहानी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैसेज ही नहीं है इसमें, है और मुझे लग रहा है सभी चीज़ में मैसेज होने का हाँ कुछ जरूरी ज़रूरत है, भी नहीं है। पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, देखिए जो है माहौल ऐसा है। मतलब सब चीज़ में हाँ मैसेज है जो हाँ आप ढूंढते हैं उसमें। आपको वो समझ जाएंगे लोग, जिनको मैसेज की जरूरत है उनको मिल जाएगी मैसेज। नहीं को हमारा टीज़र ही होता था, स्मोक डोंट डू ड्रग्स, पर ऐसे तो नहीं है ना, दुनिया ऐसे इतना आसान नहीं है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, मंजरा बेदी है, गलती है, अमित शाह है, काफी अच्छे अच्छे अमित सियाल कास्ट है सियाल लेकिन हाँ। सियाल किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने में? चलो आप इस मुझे तो दो बहुत चार शब्द मेरे बारे में अच्छी बातें मुझे तो करें। बहुत पसंद आए इन सब लोग के साथ एक्टिंग करने के लिए। मेरे पास ज़्यादा सीन्स नहीं एक बार था दीजिए गुल्लू के साथ, गुलशन के साथ, पर जो भी मैंने देखा सीन पे, मुझे मुझे लगला कि ये तो बहुत बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी लोगों के साथ में। सब लोग का एक्टिंग एकदम अच्छा था, कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। एक कुछ लोग पहचान के थे, जाने पहचाने थे, जैसे हाँ जिम मेरा दोस्त है, नील और कल्कि, ये नील सब मेरे कल्कि, पुराने दोस्त हैं, तो उनके साथ एक ऑलरेडी आपके ताल्लुकात है, एक संबंध है और एक कंफर्ट लेवल भी होता है, लेकिन नए परिवार की लोगों के बात साथ है। हाँ नए लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा भी अच्छा रहा, क्योंकि आप मैं तो चाहता हूँ कि मैं नए लोगों के साथ ही करूँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आप अपना काम लेके, अपनी क्रिएटिविटी लेके जाते हैं, अपना क्राफ्ट लेके जाते हैं, उनके क्राफ्ट के साथ मिलाते हैं, तो वो जो एक है वो अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा कल्कि के साथ काम कर करके बोर हो गया हूँ कि मेरी आधा करियर जो है उसके साथ काम करते हुए बीता है, तो लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन अमित के साथ, अमित बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, प्रकाश बेलवाड़ी हैं जो हाँ जी, एक एक्टर हैं, बहुत ही उनके साथ बहुत बहुत मज़ा आया। टॉम जी के साथ में भी मज़ा आया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मैं ये तो अच्छा नहीं होगा और फेयर भी नहीं है, तो बहुत ही पुराने और मजे हुए और एक थेस्पियन कलाकार हैं वो हमारे देश के। और मंदिरा के साथ भी बहुत अच्छा रहा तजुर्बा, एक बहुत ही अच्छा एक क्या क्या कहते हैं जो ऑन्सम्बल है, आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑन्सम्बल है इस मौके।
डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या क्या मानना है आपका, क्या कहना चाहेंगे, इंस्टा को कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म मानते हैं आप? फिलहाल इमर्जिंग मीडिया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि काफ़ी पेनिट्रेशन का दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन एक ज़माने में टेलीविज़न था जो, लेकिन अभी टेलीविज़न सबसे पेनिट्रेटेड मीडिया है इंडिया में। और लोग अलग अलग, हमारे देश की खासियत यह है कि इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, कल्चरली भी है डाइवर्सिटी, उस हिसाब से कहानी को और एंटरटेनमेंट को कंज्यूम जिस तरह से करते हैं उसकी भी, उसमें भी डाइवर्सिटी है। तो वो जो एक मांग है, वो जो एक नीड है, उसको पूरा कर रहा है जो ऑनलाइन सीरीज़, क्योंकि एक अलग किस्म की कहानियाँ, और कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो आप 1.5 घंटे में नहीं कह सकते, 2 घंटे में नहीं कह सकते, आपको चाहिए एक सीरीज़, आपको 2-3 सीजन्स चाहिए, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको, अलग अलग किरदारों पे फोकस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटैगनिस्ट एक ही हैं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, तो वो एक और एक डिटेल तरीके से और एक लेयर्ड तरीके से आप कहानी को और किरदारों को दिखा सकते हैं, तो उसकी एक बैंडविड्थ जो है, उसकी एक फैसिलिटी जो है आपको मिल जाता है वेब सीरीज से। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ज़्यादा उसके बारे में सोचते भी नहीं हूँ, अगर कहानी अच्छा है तो मुझे करना है बस, ये अच्छी सोच है एक्चुअली। हाँ। बहुत अच्छी सोच। शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज, फीचर फिल्म, टीवी शो, जो भी है, अगर कहानी अच्छा है और मेरा कैरेक्टर अच्छा है तो मुझे करना है। गुड आंसर। इसके अलावा कुछ आंसर, लेकिन आपका फुल पैक है जैसे कि दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, इस साल मैंने 2 अंग्रेजी फिल्म किया है, एक उसका नाम है वेडिंग गेस्ट, राधिका आप्टे और डेव पटेल के साथ, वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में उसका प्रीमियर हुआ, अभी तक मैंने फिल्म नहीं देखा है तो क्या पता कैसा है। और एक दूसरा फिल्म बिनीथ द सी ऑफ लाइट्स दुबई में मैंने शूट किया, और वो अभी एक नया कट अभी भेज दिया आज ही सुबह डायरेक्टर ने, तो मैं देख के पता चलेगा कि कैसे कैसे निकला। मेड इन हेवन भी है एक वेब सीरीज जो जनवरी रहा, मार्च में अमेजोन के लिए ना, अमेजोन के लिए। हाँ बस अभी के लिए इतना ही। हाउसफुल फॉर्म में मैं नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ हाउसफुल फॉर्म में, मैं कमांडो 3 में हूँ जिसकी शूटिंग एक शेड्यूल हमने यूके में किया है, अभी एक शेड्यूल यहाँ बाकी है। मर्द को दर्द नहीं होता जो टोरंटो गई थी, वहाँ पे अवार्ड भी जीत के आई, अभी मामी की ओपनिंग फिल्म है और बहुत जल्दी रिलीज डेट भी अनाउंस होने वाली है, तो फिलहाल यही है। और स्मोक का प्रचार कर रहे हैं ये भी काम है। मेरा पूरा समर्थन है, ये बहुत ज़रूरी कैंपेन है, चीज़ों को साफ करने की बहुत ज़रूरत है, और एक जो एटमॉस्फेयर है काम करने के लिए, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, एक सेफ एटमॉस्फेयर है, उसका होना बहुत ज़रूरी है, मेरा पूरा समर्थन है। सेम।